आज मुकाबला था माजिया वर्सेस उड़ीसा के बीच में, और माजिया माजिया ने मुकाबला जो है अपने नाम किया था। फर्स्ट हाफ तक 2-0 से ये मुकाबला अपने आगे चल रही थी यहाँ पे माजिया, लेकिन भाई उसके बाद उड़ीसा उड़ीसा आता है सेकंड हाफ में, और जिस तरीके से उड़ीसा ने खेला भाई, जो कमबैक किया उड़ीसा ने, अपने नाम पे करने ही वाला था माजिया ये मुकाबला, लेकिन उड़ीसा ने 3 गोल भाई जो किए हैं काबिले तारीफ, और उड़ीसा ने ये कमबैक के जरिए ये मुकाबला जो है 3-2 से जीता है। और यहाँ पे अगर गोल की बात करें तो भाई जो माजिया की तरफ से पहले गोल आया दूसरे ही मिनट में नायज हसन ने भाई दूसरे मिनट में गोल कर दिया था, और फिर पेनल्टी भाई मुर्तदा फॉल की गलती की वजह से पेनल्टी मिली, तो 26वें मिनट में बेलवेनोविच ने भाई 26वें मिनट में गोल किया। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाफ में जैसे ही उड़ीसा की टीम आई, नरेंद्र गहलोत और जेरी दो सब्स्टिट्यूशन लिए गए, उसके बाद में भाई मुर्तदा फॉल का 65 मिनट में हेडर आता है, बहुत ही अच्छा हेडर जिससे एक गोल होता है। उसके बाद डियागो मुर्शियो का भाई 72 सेकंड में आता है गोल, और उससे होता है इक्वलाइजर, और उसके बाद रॉय कृष्णा भाई 85 मिनट में करते हैं तीसरा गोल, और तीसरे गोल के चलते ये मुकाबला जो है अपने नाम पे करती है उड़ीसा। अब अगर बात करें भाई, एक और अपॉर्चुनिटी आई थी वैसे रॉय कृष्णा के पास में 90+4 मिनट में, यहाँ पे गोल किया जा सकता था लेकिन कर नहीं पाए यहाँ पे रॉय कृष्णा, लेकिन ये मुकाबला भाई बहुत ही सही मुकाबला, और कमबैक जो किया भाई उड़ीसा ने, यही इस मुकाबले की स्टोरी है। और इस मुकाबले को खत्म होने के बाद में यहाँ पे उड़ीसा ने एएफसी कप में ग्रुप डी में दूसरे नंबर पे आ गई है मोहन बगान के बाद में, अपने 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने और 2 मुकाबले हारने के बाद। वहीं अगर माजिया की बात करें तो वो 4 मुकाबलों में से 1 जीतने और 3 हारने के बाद में ग्रुप में चौथे नंबर पे टीम बन के आई है।